आपको मिलेगा। चलो काटो। नहीं तो सब गोल हो जा रहा था। थोड़ा फेसिंग लेके, फेसिंग लेके। टाइम दिए, टाइम दिए। मैं आ गया। नहीं नहीं एक मिनट करते हैं। नया जी आसिफ दर को क्या खिलाओ ना। आसिफ दर को, आसिफ दर को क्या खिलाओ। प्रियांशु सर फेसिंग ले लो। प्रियांशु सर खिलाओ, खिलाओ सर, खिलाओ, खिलाओ। अरे अब भी खा लो सर। बिना केक खिला ले ना आएगा। और अभी तो थोड़ा पीछे जाके दोनों फोटो थोड़ा एक अभी बीच में आ जाना। 2020 में आ जाना। चलो रेडी सर। हाँ रेडी, लुक कैमरा प्लीज। प्रियांशु सर फेसिंग ले ना। प्रियांशु सर खिलाओ, खिलाओ सर, खिलाओ। रोमांस खींचो। अरे दो बुजुर्गों की लव स्टोरी। एक पिक्चर ले सकते हैं आप चारों का या फिर आप दो। ये बिना केक खिला ले ना आएगा। अच्छा हाँ हो गया। बिना केक सच हो गया। और अभी तो थोड़ा पीछे जाके दोनों फोटो थोड़ा एक स्टेप पीछे। फोटो क्या बोल रहे हैं। ये फोटो 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 शिवा कह रहे हैं। शिवा फोटो फोटो। आइए नया जी आइए। नया जी आप भी बीच में आ जाओ। आप भी बीच में आ जाओ ना। दोनों जन बीच में आ जाओ ना। आप दोनों टिश्यू एंड देन गेट के आप साइन करके जाओ। चलो रेडी सर। हाँ रेडी, लुक कैमरा प्लीज। अरे एक एक करके एक एक जन खिलाएंगे फोटो मिलेगा। वीडियो नहीं तो सब गोल हो जा रहा था।
कितने सर आप आसिफ सर को खिला देंगे तो वीडियो में सुनो सुनो थोड़ा सा क्लोज आ जाए कह रहे थोड़ा सा ना थोड़ा फेसिंग लगे फेसिंग लगे नहीं नहीं वो कह रहे टाइम दे नहीं एक मिनट करते हैं क्या बात है आनंद आ गया इनके साथ ये तो नया जी नया जी आशीष सर को क्या खिलाओ ना आशीष सर को आशीष सर को क्या खिलाओ आप लोगों ने 1700 एपिसोड पूरे कर लिए हैं क्या कुछ कहेंगे जश्न का माहौल है आपसे शुरू कर लीजिए हाँ भाई बिल्कुल जश्न का माहौल है और मैंने भी कहा कि सब जितने हम लोग इम्पोर्टेंट हैं जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है शो में हमारी ऑडियंस का हमारी टेक्निकल टीम का हमारे प्रोड्यूसर्स का हमारे डायरेक्टर राइटर का ऊपर ले सबका उसमें कंट्रीब्यूशन है और बेसिकली इट्स अ टीम वर्क और आई एम वेरी हैप्पी दैट वी क्रॉस 1700 एपिसोड्स और मेनी मोर आप एक बहुत अच्छी लाइन कह रहे थे कि यहाँ पे शादियां नहीं टिकती हैं सर हाँ मैंने ये कहते हैं ना कि लोग कि भाई आपका शो कितने साल हो गए थे बोलते 7 साल हो जाएंगे इन मार्च में तो लोग कहते हैं कि भैया शादी नहीं टिकती है आजकल के जमाने में तो आपका तो शो टिक गया 7 साल तो इन दैट वे यस वी आर फॉर्चुनेट डेफिनेटली आप मतलब देखिए मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ सेट पर इसे बोलूंगा आप नई जुड़ी हैं भले आपने सालों अभी 1 साल हो गया ना आपको 1 साल से ज्यादा हो गया अरे अरे ज्यादा हो गया मुझे 6 साल हो गया आपको 6 साल हो गया माफ कीजिएगा आपने कुछ भी रिसर्च नहीं किया बिल्कुल रिसर्च किया है लेकिन ऐसा लगता है हाल ही की बात है आपको रिसर्च की जरूरत है माफ कीजिएगा तो कैसा रहा आपका ये आपने नया ज्वाइन किया है कैसा रहा आपका हालांकि साल भर से ज्यादा हो गया साल हुआ नहीं अब तक लेकिन ऐसा लगता है कि साल हो गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इतना अच्छा घूमना फिरना एक बॉन्डिंग अच्छी हो गई है तो बहुत ही अच्छा लगता है और वही है कि जहाँ अच्छा लगता है वहाँ मन जमा रहता है इट्स नाइस वैसे आप लोगों को क्या लगता है क्या रीजन है कि 1700 एपिसोड्स हो गए और ऑडियंस का मन अब तक नहीं भरा शो से वी आर रियली गुड और हम बोर नहीं होते हम हर दिन एक्चुअली सुबह यहाँ आते हैं तो फुल एनर्जी के साथ आते हैं और मैं और आसिफ जी सेम कई बार ऐसा होता है सेम शेर लिखा हुआ है और मुझे बोलना होता है का बोले लेकिन मैं उतनी ही शिद्दत से बोलती हूँ और आसिफ जी उतनी ही शिद्दत से जो है वो शेर को बोलते हैं और वही मेरा शो हम सब अभी भी शो एंजॉय करते हैं अपना काम एंजॉय करते हैं बिकॉज वी ऑल आर वेरी पैशनेट और बहुत मजा करते हैं हम लोग तो इसका रीजन है कि हमारे काम में दिखता है वो ऑडियो और ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करती है पसंद करती है मेरे विचार से ये क्योंकि कॉमेडी है और अच्छी कॉमेडी है इसीलिए ज्यादा मन लग रहा है अगर ये कहीं सासबहू सीरियल होता और मैं चाचा बना या तगम लगाए खड़ा रहता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कॉमेडी होने की वजह भी है इसकी गुड कॉन्टेंट गुड कॉन्टेंट ओके नेहा यू रिसेंटली ज्वाइन द शो एज यू ऑलरेडी मेंशन सो व्हाट वाज द वन रीजन यू सेड यस टू द शो The fact that I had worked with this production house beforehand, मेरे लिए comfort बहुत matter करता है और show के बारे में तो obviously it's a great show सबको सब कुछ पता है वो compromise मुझे भी पता था लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा important है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो लोग मुझे पसंद करते हैं ओके लास्टली वी बिफोर वी एंड आप लोगों के कैरेक्टर्स ऑडियंस को तो बहुत पसंद है बट एक एक रीजन आपको बताना है कि आपको आपका कैरेक्टर क्यों पसंद है आई मीन व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर कैरेक्टर विच मेक्स यू कीप गोइंग एज यू मेंशन्ड कि हम बोर नहीं हुए अब तक इस चीज से आसिफ साहब मेरे साथ तो ये है कि मैं तो हर हफ्ते कोई नया कैरेक्टर करता हूँ इसलिए बोर कभी नहीं हो सकता इस कैरेक्टर से बिकॉज मुझे दो कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं एट द सेम टाइम सो आई एंजॉय एवरी बिट इन And I think it goes with everyone. I mean, everybody enjoys this character because हम अपने character enjoy करते हैं और तभी आपको लगता है कि you know you can हमारे show में fatigue नहीं आया है थकावट नहीं आई है अभी भी सबको fresh लगता था because everybody is enjoying their character and उसी passion से उसी commitment से उसी you know गर्मजोशी से हम लोग अपने characters करते हैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि नहीं सही पकड़े हैं और मैं अगर अंगूरी के कैरेक्टर को देखूंगी तो उसकी सादगी और मासूमियत मुझे लगता है अगर पूरी दुनिया ऐसे हो जाए तो काफी सुधर जाएगी दुनिया अगर अंगूरी की तरह हो जाए कितनी मासूमियत आपको मालूम पड़ता ही होगा
लास्टली अपने दर्शकों को नेहा नहीं नहीं लेट देम कंप्लीट प्लीज या नेहा आपको भी लास्टली का मौका मिलेगा या नेहा प्लीज कंटिन्यू आई फील ये अनीता का सॉरी मेरी आवाज को माफ कीजिएगा बट अनीता का कैरेक्टर एक बहुत ही मॉडर्न है एक प्रोग्रेसिव लड़की है स्मार्ट है इंटेलिजेंट है और टेलीविजन में ऐसी कैरेक्टर्स बहुत कम मिलते हैं तो मुझे लगता है कि दिस इज द रियल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट यू नीड ऑफ वुमेन एंड आई गेट टू रिप्रेजेंट दैट एंड आई एम हैप्पी रिता जी आप देखिए मुझे अपनी पर्सनैलिटी का एक अलग पक्ष तलाशने का मौका मिला इसमें क्योंकि इससे पहले जब मैं लापतागंज सीरियल किया करता था उसमें मेरा एक बहुत ही कॉमन मैन का रोल था जो एक सोशल कॉज के लिए लड़ता है बहुत जेन्युइन रियलिस्टिक कैरेक्टर था तो ये जो है इसमें मुझे एक बहुत ही कंजूस काइया बिजनेसमैन जो बिल्कुल एक विपरीत चरित्र है वो करने का मौका मिला जो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैंने अपनी एक नई डायमेंशन तलाशी है इसमें लास्टली हाँ जी क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों से लास्ट टाइम किसी को कुछ पूछना नहीं नहीं, 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 नहीं वाकई लास्ट है हाँ तो बोलिए सबसे प्लीज बोलिए 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 आप ही नया जी आप ही बोलिए थोड़ा सा ओके ओके लास्टली हम ये कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस लव फॉर लास्ट 7 years पिछले 7 सालों से हमें भरपूर प्यार कर रहे हैं कैरेक्टर्स रिप्लेस हो रहे हैं लेकिन आपका प्यार रिप्लेस नहीं हो रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एंड कीप लविंग अस एंड मेक श्योर दैट वी क्रॉस न्यू माइलस्टोन्स एवरी ईयर थैंक यू हिप हिप हुर्रे सर आप लोग एक स्टेप पूरा पीछे जाओ एक स्टेप पूरा ओके चेहरा नहीं देना अभी सर आप थोड़ा और पास सुनो हाथ थोड़ा कंट्रोल रुको ना एक बार फ्रेम ले लेना आप लोग मुझे बताइएगा जब आप लोग का ये हो जाएगा चलो रेडी रेडी लुक कैमरा यस